नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में 1990 में नरसंहार कश्मीर को लेकर कश्मीरी पंडितों का गुहार। पश्चिम बंगाल वासियों से कश्मीर पंडितों के ऊपर मानवता की हत्याओं के खिलाफ साथ दें। 1990 कश्मीर नरसंहार और मानवता के खिलाफ नरसंहार के जरिए अपराधों के तहत सजा के लिए साथ मिलकर आवाज बुलंद करने के लिए विनती किया। हालातों के बारे बताते हुए कश्मीरी माइनॉरिटी हिंदुओं पर हो रहे हत्या और अत्याचारों के बारे में बताया है। वापसी और पुनर्वास नीति सुरक्षा के साथ मांग करते हुए वक्तव्य के जरिए कट्टरपंथी और कट्टरवाद सोच को मारना है जो मानवता के खिलाफ और नरसंहार को जन्म देता है। समस्या का हल 32 सालों तक नहीं होना राजनीतिक को जनप्रतिनिधियों का नहीं होना बताया है। राजनीतिक में परिवर्तन करने की बातें कही गई है। उपस्थित थे वक्ता डॉक्टर रमेश रैना, अध्यक्ष ऑल इंडिया कश्मीरी समाज, प्रोफेसर सुधीर सेपोरी, एमएल मालदा। जो थर्ड परसेप्शन हम है उस पेट्रोल से आप 35 साल से कश्मीर में रह करते सबको दवाई दारू दे देते। इतना ही नहीं कि वापस जाना चाहे तो हम जाहिर है जैसे नॉन कश्मीर ऐसा चीज होना चाहिए जिससे थर्ड परसेप्शन और इनसिक्योरिटी ऐसी मांगों से जिसकी गड़े बहुत गहरी है उनको मजबूत करना चाहिए, जिसको उनको एड्रेस करना चाहिए, फंडामेंटलाइजेशन को एड्रेस करना चाहिए। चाहते हैं सब एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का गठन हो जाए, आपके सामने गुहार करने के साथ इतना ही नहीं वो हिंदू या मुसलमान देख के चले भी सुरत है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है उस ह्यूमन सिविलाइजेशन कहीं भी हो सकता है तो उससे हमें मेजोरिटी इस इश्यू को उठाना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए और लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं तो कश्मीर में होगी रात में कम से कम 1990 से 2000 का दगा होगा जो छिट्टी सिंह घोड़ा में सिकर आपने सुना था जहाँ सिख से संपर्क करते हैं आप संभव करते हैं उस सोच को मारना सोच को मारना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे सोचे कि आप मामला क्या है, मामला मैंने फिर आऊंगा यहाँ पर क्योंकि मुझे यकीन है वो कभी से ये भी मानते हैं कि साहब हालात साहब को क्यों मार दिया साहब, ये तो आप ही की सेवा दी साहब से लोगों की सेवा करी है, दवा दे दिया इसलिए नहीं माना उसको कि वो क्या था, इसलिए माना कि वो कश्मीर का बंदूक को जाने की क्या जरूरत है आपको साहब। सिविल सोसाइटी किसी किसी कमजोर में नहीं है मंदिर गठन हो जाए जैसे भैया एक टेम्पल्स एंड श्राइन ब्रिज का भयम की आवाज हुआ था अर्ली 90s के टाइम के जिस तरह से पहाड़ करके गए हैं ये इधारा बेचा और इधारा खरीदा और उसके बाद अभी हाल ही में एक होटल को बनाया ये जिन्होंने जाहिर है और जहाँ पर इन्वेस्टिगेट को पता चला किसी इसका मतलब ये है कि आपको कॉर्पोरेटर को भी नहीं इलेक्ट कर सकते हैं एक अगर हमारा एक आदमी तब हमें आगे डॉक्टर रहने का क्या जरूरत है। मैं इसके बोला वी डोंट वांट टू गो बैक